मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अवर सेकेंड यूनिट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इन दिस यूनिट द फर्स्ट चैप्टर इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वी कंप्लीटेड एंड वी आर स्टडिंग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर ऑफ बेसिस इनहेरिटेंस चैप्टर में अपन ने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। डीएनए स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए स्टेयर्स, आउटर स्टेयर्स। अब अपन देखते हैं कि अगर आप एक सेल की साइज देखें तो एक सेल की साइज जो है वो 0.1 से 5 म्यू एम तक होती है, और न्यूक्लियस की अगर साइज देखें तो न्यूक्लियस की साइज 10^-6 मीटर होती है। ठीक है, 10^-6 मीटर किसकी साइज है? न्यूक्लियस की। और सेल की साइज देखें तो ये न्यूक्लियस जो है वो इस सेल में इंक्लूडेड रहता है। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी नॉर्मल अगर साइज की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस की साइज जो है वो 10^-6 मीटर होती है। एंड वन म्यू एम इज इक्वल टू 0.00005×10⁻¹ वन मीटर। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द बेस, सॉरी, इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी बेस पेयर, मीन्स डीएनए की जो लेंथ है वो किसमें कैलकुलेट होती है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, या तो हम उसको क्या बोलेंगे केबी यानी किलो बेस, या क्या बोलेंगे बेस पेयर यानी बीपी। तो नॉर्मली जो दो बेस पेयर होते हैं उन दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है अपने को पता है, ये अपन ने डीएनए की स्ट्रक्चर में पढ़ा था, 0.34 नैनोमीटर या nm। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। और वी कैन से दैट 0.34 × 10⁻¹ मीटर। तो ये क्या हो गया, 0.34 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻¹ से तो ये क्या आ जाएगा, अपनी लेंथ जो है वो आ जाएगी मीटर में। अब अगर अपन देखें कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए, यानी जो डीएनए, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन ऑफ बेस पेयर, बीपी मीन्स बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट बेस पेयर दैट इज 6.6×10⁻¹ ये क्या है, अपनी बेस पेयर की संख्या है। इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं किसमें, डीएनए में। और अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये अपने आ गई क्या, एक दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस से, तो ये क्या आ जाएगी अपनी अप्रोक्सीमेटली डीएनए की लेंथ आ जाएगी, और ये आती है कितनी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर की। अब आप लोग देखिए डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर, किसमें, एक टिपिकल मेमेलियन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की लेंथ क्या आ गई अपने पास, 2.2 मीटर। और सेल की साइज क्या अपने पास, 0.1 से 5 म्यू एम, और उसमें भी डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, तो अपने को पता है डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की साइज क्या है, 10^-6 मीटर। अब 10^-6 मीटर में और डीएनए 2.2 मीटर लेंथ का है, वो कैसे
इंक्लूडेड रहता है, तो हम कह सकते हैं ए लेंथ दैट इज ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10^-6 मीटर, हाउ ए सच लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन ए सेल, तो कैसे रहेगा। तो इसके लिए अपना ये टॉपिक आज का पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखिए अगर हम न्यूक्लियस के क्रोमेटिन मटेरियल की बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, एक तो डीएनए और दूसरा क्या है हिस्टोन प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। और इस प्रोटीन में भी क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन किसे कहते हैं, यू नो दैट व्हाट इज प्रोटीन, 20 एमिनो एसिड्स कंबाइंस विद ए पेप्टाइड बॉन्ड, 20 एमिनो एसिड कंबाइंस विद ए पेप्टाइड बॉन्ड एंड मेक ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन में दो एमिनो एसिड जो है कौन कौन से, आपको नेम याद रखने हैं, वन मार्क क्वेश्चन बनता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है, ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। बोथ एमिनो एसिड रिड्यूस कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द देयर साइड चेन, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज पॉजिटिवली चार्ज टू फॉर्म ए मोलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टोमर। अब देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के अपने पास क्या है, इस हिस्टोन प्रोटीन के अपने पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कौन कौन से वो भी आप लोग देख लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन्स के अपने पास 5 मॉलिक्यूल है, कौन कौन से, एक है H1, दूसरा इसको याद रखना लिंकर भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा है H2A, तीसरा H2B एंड थर्ड इज H3 एंड फोर्थ इज H4, तो 1, 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन आर प्रेजेंट। अब इनमें से क्या होता है कि ये H2A, H2B, H3 एंड H4 इनके डबल मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर एक जैसे ये अपन ने चार लिख दिए, चार इसके पीछे, चार जो बॉल आप समझ सकते हो टेनिस की बॉल एक तरह से, वो इस प्रकार से इनके दो दो मॉलिक्यूल यानी 8 मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, हिस्टोन के, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि 8 मॉलिक्यूल है तो ये हो गया ऑक्टामर। ये अपन ने आप लोगों को याद हो तो अपन ने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में भी पढ़ा था कि 4 सेल्स का ग्रुप बनता है उसको टेट्राड कहते हैं और 8 सेल्स का ग्रुप बनता है उसको ऑक्ट्राड कहते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि हिस्टोन ऑक्ट्राड का फॉर्मेशन होता है या हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन होता है। अब डीएनए आप लोगों को पता है कि डीएनए एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और हिस्टोन प्रोटीन या प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर डीएनए क्या करेगा, सर्कुलर टाइप से ये अरेंज्ड हो जाएगा और वी कैन से द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या करेगा, डीएनए इसके ऊपर इस टाइप से रैप्ड हो जाएगा, ठीक है, ये एक ऑक्टोमर हुआ, ऐसे ही दूसरा ऑक्टोमर हो सकता है, तीसरा ऑक्टोमर हो सकता है, और इन ऑक्टोमर को कनेक्ट करने वाली, लिंक्ड करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है अपने H1 है। तो हम कह सकते हैं कि द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोसोम, और ये भी क्या हो गया अपना न्यूक्लियोसोम, ये भी क्या हो गया न्यूक्लियोसोम, देन वी कैन से 2 न्यूक्लियोसोम्स आर कंजॉइंट विद H1 और लिंकर प्रोटीन। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स,
और न्यूक्लियोसोम की अगर अपन बात करें कि न्यूक्लियोसोम के अंदर, तो आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान में रखिए, जो अपनी माला होती है, माला को फेरते हैं तो उस पर माला में जो मनके होते हैं उस टाइप से ये क्या है अपने पास न्यूक्लियोसोम्स है। वहां इन मनकों के अंदर धागा रहता है, यहां क्या है इस मनकों के ऊपर रैप्ड फॉर्म में क्या है डीएनए प्रेजेंट रहता है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कोल्ड एंड कॉन्डेंस एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अपने को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस में ये क्या है क्रोमेटिन मटेरियल है, और इस क्रोमेटिन मटेरियल को जब स्टेन किया जाता है एसिटोकार्बिन से, तो स्टेन करने पर कुछ पार्ट जो है वो डार्क स्टेन होते हैं और कुछ पार्ट जो है वो लाइट स्टेन होते हैं, और इन्हें रेस्पेक्टिवली हम यू क्रोमेटिन एंड हिटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और ये डार्क और लाइट स्टेन क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो ये भी फुल फॉर्म के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC इन ए टिपिकल न्यूक्लियस नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट एंड आर रेफर टू यू क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंस पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड हिटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव क्रोमेटिन वेयर हिटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, बिकॉज इन ट्रांसक्रिप्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आगे प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में अपना टॉपिक आता है डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय 3 experiments अमंग देम वन इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज प्रपोज्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है इसको समझिए कि ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आर द बैक्टीरिया विच स्प्रेड द डिजीज मलेरिया इन रैट्स। सो ग्रिफिथ टुक टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज एस एंड आर इज सेकेंड इज आर, एस मीन्स स्मूथ एंड आर मीन्स रफ। Whenever he inject these bacteria in rat, S means smooth bacteria which causes the malaria disease and virulent disease in rat, then rat should be die due to effect of malaria. But whenever he inject R rough bacteria in rat, then rat are not die, they can live. Or we can say they survive. Next time he used heat killed S bacteria and inject them rat, then rats are survive. In next experiment he used both R and S heat killed bacteria एंड इंजेक्ट इन टू द रेट, वॉट हैपन। आप लोग क्या सोचते हो यहां क्या होगा, हमने देखा कि एस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के स्ट्रेन है ये आर और एस, तो एस स्ट्रेन जो है वो स्मूथ है और आर स्ट्रेन जो है वो रफ है। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया रेट्स में तो रेट्स जो है ड्यू टू मलेरिया डिजीज डेड हो गए, मर गए, और आर सेकंड से मलेरिया डिजीज हुआ लेकिन वो मरे नहीं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एस थर्ड को हीट किल्ड कर दिया, और हीट किल्ड करने के बाद में रैट में इंजेक्ट करवाया तो वो भी नहीं मरे, सरवाइव रहे। तो यहां पे क्या होना चाहिए, एस हीट किल्ड स्ट्रेन
और आर, इन दोनों से ही नहीं मर रहे, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए था, नहीं मरने चाहिए थे, लेकिन यहां पर क्या हो गए, ये रेट्स जो है वो मर गए। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हीट किल्ड एस थर्ड, पूरा नाम इसका एस थर्ड होता है, ठीक है, तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में आर बैक्टीरिया जो है या रफ जो स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में ट्रांसफर हो गया, और वायरुलेंट में ट्रांसफर होने से क्या हुआ कि इन रेट्स की जो है वो डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने केवल इतना ही बताया कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है उनको वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इनका केमिकल एग्जामिनेशन किया गया तो दो तीन वैज्ञानिक आए, एवरी मैक्लॉयड एंड मेकार्टे, इन्होंने क्या किया, इनका केमिकल कंपोजिशन देखा मटेरियल्स का जो भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, और इन्होंने ये प्रूव किया कि किस रीजन के कारण ये बैक्टीरिया जो है वो चेंज होते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा सा एंजाइम के बारे में जान लीजिए, वैसे हमने पिछले साल पढ़ा था व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम आर द प्रोटीनियस सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब जो नोमेनक्लेचर है एंजाइमों का, वो नोमेनक्लेचर क्या है कि जिस मटेरियल पे एंजाइम वर्क करते हैं उसको कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो भी सबस्ट्रेट होता है जिस पर एंजाइम फंक्शनल होता है उस सबस्ट्रेट के एंड में ASE यानी एज सफिक्स लगाकर उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब देखिए, प्रोटीन पे काम करने वाला एंजाइम, प्रोटीन पे काम करने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, प्रोटीएज, लिपिड पे काम करने वाला लिपिडेज, डीएनए पे काम करने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, डीएनए पे काम करने वाला डीएनएज, आरएनए पे काम करने वाला आरएनएज, ठीक है। तो एवरी मैक्लॉयड एवं मेकार्टे ने क्या किया, इन्होंने जो तीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं कौन कौन से, या तो प्रोटीन हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन को डी जनरेट किया, किससे, प्रोटीएज एंजाइम से, और प्रोटीएज एंजाइम से डी जनरेट करने के बाद में भी देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनए को रिमूव किया आरएनए एंजाइम की हेल्प से, और आरएनए को रिमूव करने के बाद में भी इन्होंने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, डीएनए का, यानी डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया कि इन्होंने डीएनए एंजाइम की एक्टिविटी करवा दी डीएनए से, और बाकी दोनों को पड़ा रहने दिया, तो डीएनए को जब हटाया गया तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में हर्ष और चेस ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।